हेडिंग है अलैंगिक जनन। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हमको सिंपल भाषा में समझना है तो एक चीज ध्यान देंगे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आ और लैंगिक, आ प्लस लैंगिक, लैंगिक। इंग्लिश क्या होगा? एसेक्सुअल, एस ई एक्स यू एल, रिप्रोडक्शन आर ई पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन। ठीक, बात समझे? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब ये तीन वर्डों से मिलके बना, आ प्लस लैंगिक प्लस जनन, तीन वर्ड से। ठीक ना, आ का मतलब क्या होगा? अभाव हो, आ का मतलब अभाव, अभाव का मतलब क्या? उपस्थित की अनुपस्थित, अनुपस्थित, हाँ अभाव या अनुपस्थित। किसकी अनुपस्थिति हो तो लैंगिक जनन की, किसकी अनुपस्थिति? लैंगिक जनन। तो अगर लैंगिक जनन की अनुपस्थिति हो और वहां पे भी जनन हो रहा है तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना है, लैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कितना पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था? एक की दो, दो। कौन कौन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में कौन आता है? शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। मादा युग्मक में कौन आता है? अंडाणु, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक, बस समझे? अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो मतलब जब लैंगिक जनन के अभाव में जनन हो, लैंगिक जनन के अभाव में जनन हो, ठीक, तो यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि अभाव किसका होगा, तो लैंगिक में कौन कौन आता है? एक नर आता है और एक मादा आता है, ये दोनों इसमें क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे लैंगिक वाले में क्या होता है? नर और मादा एक साथ पाए जाते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा? नर मादा दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, बल्कि क्या हो जाएगा? या तो नर या तो मादा, याद देना है। इसका मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, अलैंगिक जनन मतलब आ प्लस लैंगिक जनन, आ का मतलब क्या हो जाएगा? अभाव या अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति? तो लैंगिक जनन की अनुपस्थिति। अगर लैंगिक जनन की अनुपस्थिति होगी तो उसको हम किसको किसमें काउंट करेंगे? अलैंगिक जनन में। ठीक, लैंगिक जनन में हमारा कौन कौन आता है? तो नर और मादा युग्मक जो है पार्टिसिपेट करते, तब जाके होता है लैंगिक जनन। मतलब दोनों एक साथ, प्लस का मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ। ठीक, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी लिखा, तो मतलब वहां पे ए और बी दोनों की वैल्यू किसी एक की? दोनों की। तो यहाँ पे नर प्लस मादा अगर दोनों एक साथ लिखा गया तो इसका मतलब वहां पे दोनों की आवश्यकता होती, दोनों का बराबर बराबर पार्टिसिपेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों का एक साथ नहीं होगा, बल्कि कोई या तो नर होगा या तो मादा, दोनों में से केवल एक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेट कर रहा है कि दोनों एक साथ? एक। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? जब जनन के दौरान किसी एक युग्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, किसी एक युग्मक मतलब क्या हो जाएगा? या तो नर या तो मादा। तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन में नर या मादा में से किसी एक युग्मक की आवश्यकता होती है। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा अलैंगिक जनन। ठीक, बात समझे? तो इसमें क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन में आ लैंगिक जनन में नर या मादा किसी एक की आवश्यकता होती है, मादा में से किसी एक की आवश्यकता होती है।
कोई दिक्कत? तो मतलब जो है चाहे नर हो चाहे मादा, अब देखिए इसमें मामला फंसता है कि होता क्या है इसमें। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा दूब घास, ठीक, तगड़ा वाला एग्जांपल दे इसका। हाँ। दूब घास का एक कुछ लोग दूबे मत समझना, दूब है ठीक है ना। जैसे दूबे कहीं एक लड़की जो पढ़ती थी उसके मार्कशीट में जो दूबे बजा लिख किया गया था दबे, ठीक, नाम नहीं बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूब घास का एग्जांपल अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी खेत में जबरदस्त जो है फार्म में दूब एकदम चौड़िया के खड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो है जिसका खेत था उसका दिमाग खराब हुआ, मतलब पगलाया हुआ था, वो रोटावेटर से जुताई कर दिया, ठीक। जब वो रोटावेटर से जुताई कर देगा तो रोटावेटर काम क्या होता है, दूब को छोटे छोटे पार्ट में काट देना। और जब दूब को छोटे छोटे पार्ट में काट देगा तो रोटावेटर में पीछे एक जो है मतलब पटिया लगा होता है जो कि मिट्टी को लेवल करता है। अब उसमें कुछ दूब घास दब के जाएगा तो पता लगा एक कोने था, तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, चारों कोने पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दूब घास जो है जब हम जुताई करते हैं खेत की, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि अनेक पार्ट में कटा तो वहां पे नर मादा दोनों आया कि एक ही था, कोई एक ही था, ठीक, कोई एक ही था, उसको काट पीट दिया गया, क्या हो गया, बहुत सारा दूब हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए और गन्ना, ठीक, गन्ना क्या होता है, इसको आप जो है 5-6 टुकड़े में काट देते हैं, गन्ने मान लीजिए 5-6 टुकड़े में काट दिए तो 5-6 गन्ना तैयार, 5-6 पेड़ तैयार हो, नहीं होगा, 5-6 जगह बो देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है कि अलैंगिक, मतलब लिंगों का सहयोग है कि नहीं है, नहीं है, अरे यार लैंगिक अंग कहाँ है, नर मादा कुछ है पता चला कि मतलब ये लैंगिक भाग जो है मादा है, ये लैंगिक भाग नर है, ऐसा कुछ कन्फर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन। और एग्जांपल गुलाब, ठीक है ना, गुलाब हो गया, गुलाब के बाद गुड़हल, अरे जिसको अड़हुल बोलते हैं, अरे सर अंग्रेजी हिबिस्कस बोलते हैं शायद ना, शायद इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा हमारा कमजोर है ना, कोई दिक्कत। तो ये सब हो गया हमारा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन परिभाषा क्या बनेगी, अलैंगिक जनन में नर या मादा में से किसी एक की आवश्यकता होती है, दोनों पार्टी का आवश्यकता नहीं होती है। बढ़िया वाला एग्जांपल रोटावेटर याद रखना बस, ठीक, छाप लो। तो ध्यान दीजिएगा, पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू, तो ऊतक की परिभाषा जो होती है वही इसमें भी होगी, बस यहाँ पे जो है एनिमल या प्लांट में जो है टिश्यू को डिवाइड कर दिया जाता है, ऊतक को डिवाइड कर दिया। ऊतक की परिभाषा क्या होती है, तो संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि मतलब पेड़ पौधों में जो है अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है, मतलब उनमें जो है आप देखेंगे कि कोई पौधा जो है बहुत मजबूत होता है, कोई पौधा लचीला होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक, कोई पौधा जो है एकदम से मतलब जो है बहुत ही नरम होता है, उस पर मान लीजिए अगर तेजी से जो है हवा का झोंका लग गया तभी वो लटक जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। तो उस आधार पर जो होता है पौधे अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं जिसके कारण जो उनमें अलग अलग क्षमता पाई जाती है, ठीक। तो एक मामला और आता कि पौधों में जो लंबाई की वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है तब उसको किस नाम से जानते हैं, जब वृद्धि होकर रुक जाती है तब किस नाम से जानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक वृद्धि हो रही तब तक उसमें कौन से ऊतक हैं, जब वृद्धि नहीं हो रही तब उसमें कौन से ऊतक हो जाते हैं, ठीक। तो यही सब हमको इसमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, पादप ऊतक में जो है दो वैरायटी होता है, नंबर एक होता है विभजोतक, कौन सा, विभजोतक। विभजोतक का मतलब होता है विभाजन योग्य,
ठीक, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबीजोतक कहते हैं। मतलब अगर पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है, उसमें जो है मोटाई आ रही है, लंबा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसमें विभाजन हो रहा है। और अगर विभाजन हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसमें द्विबीजोतक सक्रिय है, मतलब कोशिकाओं में या ऊतकों में विभाजन की क्षमता बनी हुई है, क्षमता समाप्त नहीं हुई है। ठीक, तो दूसरी शाखा जो आती है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम पूरा हो गया हो, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की जो लंबाई होती है एक लिमिट तक जाती है, इसके बाद वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जब पौधों की लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई में वृद्धि जितना होना होता है वो हो जाता है, इसके बाद मोटाई जितना होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद देखेंगे आप पौधा जो उसी पे टिका रहता है ना, तो उसमें कोई वृद्धि होती ना विकास होता, कुछ भी नहीं होता है, केवल इसके अंदर परिपक्वता आती है। ठीक, तो ये जो होता है जब उसकी वृद्धि वगैरह हो करके रुक जाए, मोटाई वगैरह हो करके रुक जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थाई ऊतक। क्या बोलेंगे, अस्थाई ऊतक। अब एक मामला आता है अस्थाई ऊतक आया कहाँ से, तो अस्थाई ऊतक चंद्रमा से नहीं आया लॉन्च होके, डायरेक्ट जो लाके रख दिया, एक्स कमांड 5 मैथ नहीं है। ठीक, अस्थाई ऊतक जो है किससे बना, तो द्विबीजोतक से ही मिलकर बना होता है। क्या अस्थाई ऊतक, मतलब द्विबीजोतक में जब विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब जब ऊतकों में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती तब वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अस्थाई ऊतक में, और अस्थाई ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक, इसके बाद जो है बात करते हैं द्विबीजोतक के कितने भाग होते हैं, तो द्विबीजोतक के बेसिकली 3 भाग होते हैं। ठीक, बात समझाई, द्विबीजोतक के बेसिकली 3 भाग होते हैं। एक हो गया शीर्षस्थ, तो मतलब जब शीर्ष वाला भाग, शीर्ष भाग में क्या आएगा, जड़ आएगा और तना आएगा, जड़ और तना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम कह सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि कर रहा है कि किसी और तरफ, लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इसको हम प्राथमिक वृद्धि के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, तो मतलब जब पौधे की लंबाई में वृद्धि हो, तो लंबाई में वृद्धि होगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पौधा का अगर ऊपरी भाग बढ़ेगा तो जड़, उसका जो जड़ होता है वो भी नीचे जाएगा। अब सोचो जड़ काहे नीचे जाएगा, मान लीजिए जड़ नीचे नहीं जाएगा तो चक्रवात का माहौल बना। ठीक, हवा बोला कि हमको आज तो थोड़ा सा रेस लगाना है, घूमने का मन है, अब वो जो है 120 किलोमीटर की स्पीड से बहना शुरू कर दिया हवा, हवा को देख के पेड़ सोचा हमारा पैर तो नीचे से कमजोर है, जब पेड़ का जो पैर नीचे से कमजोर है तो इसको नींद आ जाएगी, तुरंत बाबा रामदेव वाला योगा करना शुरू कर देगा। बस सुन रही ना, मतलब पेड़ पौधे के लिए जरूरी क्या है कि जिस हिसाब से ऊपर वृद्धि करेगा उसी हिसाब से नीचे भी वृद्धि करता है। आप लोग देखते होंगे कि कुछ पेड़ जो आदि वगैरह में क्या होता है, खेत उत में जो होता गिर जाता कहाँ है, इसका मतलब उसका जो नीचे वाला भाग था, जड़ वाला भाग, वो बहुत सही से विकसित नहीं हुआ था। और वहीं आप देखेंगे कोई कोई पेड़ ऐसा होता है टैलेंटेड, वो पहले में समझदार होता है, वो क्या करेगा, तालाब में रहेगा, इसके बाद वो टिका रहेगा सीधा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ को क्या किया, नीचे तक पहुंचाया। तो जब ऊपर और नीचे वाले भाग, मतलब कोई चीज मान लीजिए दो सिरा, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक, ये ऊपरी सिरा मान लीजिए इसका ऊपरी भाग है, जहां मान लीजिए पेड़ है कोई, ऊपर वाले भाग में पत्ती पाई जाती है, नीचे वाले भाग में जड़ होता है, ये दोनों ऊपरी और निचला सिरा क्या हो जाएगा, शीर्ष वाला भाग नहीं हुआ, बीच वाले के दोनों तरफ क्या होगा, शीर्ष होगा ना। तो यहाँ पे पेड़ में मान लीजिए एक नीचे वाला भाग होगा, एक ऊपर वाला, तो दोनों भाग हम किस में काउंट करेंगे, शीर्ष भाग में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, तो शीर्षस्थ में कौन से भाग में वृद्धि होती, जड़ और तने में। तो जड़ और तना में जब वृद्धि होगा तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, प्राथमिक वृद्धि में, प्राइमरी ग्रोथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो है अंतर्वेशी में आ जाते हैं। अंतर्वेशी में जो है आपका आ जाएगा मध्यखंड। मध्यखंड का मतलब जो होता है, अगर आपको समझना है तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि कुछ पेड़ में जो गांठ पाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका गन्ना हो गया, ठीक ना, दूब घास हो गया, तो आप देखेंगे जब तक ये छोटा होता है ना तब तक इसका जो खंड नहीं होता छोटा छोटा, ठीक, अरे गन्ना जिसको यार हम चूसते हैं, जब गन्ना का पेड़ छोटा होता तो उसमें जो खंड होता छोटा होता है, और जब बड़ा होता तो बड़ा हो जाता है, तो वो खंड जो है जब विकास करता है तो किसके अंतर्गत आएगा, अंतर्वेशी के अंतर्गत आएगा। पार्श्व वाले में क्या आ जाएगा, मतलब कोई पौधा है पेड़ है वो मोटा हो रहा धीरे धीरे, ठीक ना, जैसे मान लीजिए पहले इतना बड़ा था, बाद में क्या हुआ, इतना मोटा हो गया, जब इतना मोटा हो गया तो इसमें वृद्धि वर्ग नहीं हुआ, जब द्वितीयक वृद्धि, इसको हम किस नाम से जानते हैं, द्वितीयक वृद्धि।
इसको हम किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक वृद्धि। कोई दिक्कत? द्वितीयक वृद्धि हो गया, इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो मतलब जब पेड़ पौधे का मोटापा शुरू हो जाए, चर्बी वाला हमारे तुम्हारे जैसा पेट नहीं निकलेगा उसका, ठीक ना? दिन भर में 5 बार समोसा खाओगे तो क्या होगा? ठीक। तो पौधे में जब गोलाई में वृद्धि हो, मोटापा आए उसमें, तब उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक वृद्धि। ठीक। तो पार्श्व वाले में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि होता है। मतलब पार्श्व माने होवे करता है बगल यार। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल, लैटरल जिसको बोलते हैं, है ना? बात समझी? तो जब पौधे के अगल बगल में वृद्धि हो तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे? पार्श्व विद्योतक में। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं अस्थाई वाले में। अस्थाई वाले में 2 ब्रांड होता है, एक सरल और एक जटिल। सरल वाले क्या होता है? ये सरल प्रकार के, मतलब एक टाइप का संरचना होता है, समान प्रकार संरचना होता है। और जटिल वाले क्या होता है? मिलावटी होता है। ठीक। मिलावटी जब कोई चीज हो जाएगा जटिल हो जाएगा, जब एक टाइप का रहेगा तो सरल रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मृदु ऊतक जो होता है और स्थूल कोण ऊतक जो होता है और दृढ़ ऊतक जो होता है, वो किसमें आएगा? सरल ऊतक में आएगा। ठीक। बात समझे? अब सरल ऊतक में मृदु ऊतक में केवल क्या पाया जाता है? सेलुलोज नाम का पदार्थ, और कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो मृदु ऊतक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सेलुलोज नामक पदार्थ पाया जाता है। और जिन पादपों में जब तक केवल मृदु ऊतक पाया जाएगा, उनका जो है क्वालिटी कैसा होगा? मतलब उनके शरीर की क्षमता कैसी होगी? नरम होगी। मतलब ये जो है मजबूत नहीं होंगे, जरा सा भी मजबूती नहीं होता है। ठीक। इसके बाद आता है दूसरा, स्थूल कोण ऊतक। ठीक। स्थूल कोण ऊतक क्या होगा? ये जो है थोड़ा बहुत मजबूती लेकर के लचीलापन रहता है इसमें। बात समझे? ये जो है लचीला होगा, थोड़ा बहुत मजबूती रहेगा। इसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज और पैक्टिन। इसका कारण पूछा जाए अगर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोशिकाएं होती है। ठीक। तो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा जो है भर लेता है गैप, जो गैप होता है वही भर लेता है। बात समझे? मतलब कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वही क्या हो जाता है? भर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेलुलोज और पैक्टिन। तो सेलुलोज तो पहले से रहता है, पैक्टिन आके ही गैप में जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैप है ना, तो यहाँ पे पैक्टिन आके जमा हो जाएगा। जब पैक्टिन आके जमा हो जाएगा तो मजबूती पकड़े नहीं पकड़े। जैसे मान लीजिए कोई पिलर बन रहा है, उसमें केवल सरिया डाल दो, सीमेंट उमेंट ना डालो, तब इधर उधर भागेगा ना। ठीक। तो यहाँ पे जब इसमें जम जाएगा जाके पैक्टिन, तब इसमें इधर उधर भागने की क्षमता रहेगी, मजबूती आएगी थोड़ी बहुत मजबूती आएगी, मतलब बहुत ज्यादा मजबूती नहीं आएगी। ठीक। अब आता है तीसरा वाला, दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक में क्या होता है कि पौधा जो बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई पौधा जो है जिसका आप मान लीजिए पटरा वटरा नहीं निकलता है, ठीक, और चारों तरफ से एकदम मजबूत हो जाए, डेड हो जाए। जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ ऐसा होता है, आप उस पर एक पत्थर खींच के मार दे तो उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आप देखेंगे कि जो उसमें चिड़चिड़ापन रहता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। तो दृढ़ ऊतक में आपका जो है सेलुलोज और लिग्निन पाया जाता है। दृढ़ ऊतक में क्या पाया जाता है? सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन जो है ना और टैलेंटेड होता है, ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इसमें अगर जाके भर गया ना कि बोलेगा हिलने नहीं देंगे, हमारा क्या कर लोगे। ठीक। लिग्निन को जो है पादपों का सीमेंट कहते हैं। मतलब जब तक लिग्निन नहीं होगा तब तक पौधे में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं आती है। तो कोशिकाओं के बीच में जब लिग्निन जाके जमा हो जाता है तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजबूती आ जाती है। ठीक। ये हो गया बेसिक मामला हमारा, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इंग्लिश क्या होगा? पायरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कलेनकाइमा। ठीक। इसके बाद जो जटिल वाले में आते हैं, तो जटिल वाले हमारा 2 ब्रांड आएगा, एक जाइलम और एक फ्लोयम। तो पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए या समस्त जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल और भोज्य पदार्थ दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक। तो जाइलम के सहारे जो है पौधे के पूरे भाग में जड़ से खींच करके जल को पहुंचाया जाता है। ठीक। और फ्लोयम के सहारे मृदा में जो तत्व होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको खींच करके पूरे पादप के शरीर में पहुंचाया जाता है। ये हमारा हो गया बेसिक पूरा जो है पादप ऊतक। कोई दिक्कत इसमें? कहीं भी कोई समस्या नहीं ना? ठीक। इसको उतार लीजिए।